नमस्कार, स्वागत है आपका अर्बन अपडेट में। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी। किसान कभी सूखे की मार झेलता है तो कभी बाढ़ की। दिन रात एक कर किसान खून पसीना बहाकर अपनी फसल की देखभाल करता है, लेकिन जब उन तैयार फसलों में कोई बीमारी लग जाती है तो किसान के सारे सपने पर पानी फिर जाता है और किसान मायूस हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर बस्ती जिले की है, जहां किसानों की तैयार फसल बीमारी की चपेट में आ गई। एक तरफ किसान मौसम की मार और कोविड-19 से आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो वहीं जब जब धान की फसल में हल्दिया गानिया रोग के प्रकोप से किसानों की फसल खराब हो रही है। इसको लेकर किसानों में मायूसी छाई है। रोग के कारण पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश से उभरी पछेती धान की प्रजाति अब हल्दिया रोग से प्रभावित हो रही है। चिंतित किसान इससे उबरने के निजी तरीके खोज रहे हैं, दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जिले के अधिकतर गांव में धान की फसल में यह रोग फैल चुका है। किसानों ने काफी मेहनत कर इस बार धान की फसल को सहेजा। बाली निकलने को आई तो आफत की बारिश शुरू हो गई, और अब धान पकने को आया है तो हल्दिया रोग का प्रकोप शुरू हो गया। हालांकि इससे बचने के लिए किसानों ने निजी जानकारी के मुताबिक खाद और कीटनाशकी का प्रयोग किया था, लेकिन हल्दिया रोग से सूखती धान की फसलें देखकर किसान परेशान हैं। किसानों का हजारों एकड़ धान की फसल इस रोग की चपेट में आ चुकी है और उपज में काफी नुकसान भी हो रहा है। किसानों ने बताया कि 40-45% यह रोग धान की फसल को बर्बाद कर चुका है। बस्ती जिले में किसानों का बुरा हाल है। किसानों की फसल धान की पूरी तरह लगभग बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि धान की फसल में कंडा रोग जैसी बीमारी लग गई है, जिसे किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ना तो अभी तक इसकी सर्वे करवाया गया, ना ही किसानों को कोई मुआवजा दिलवाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान खड़े हुए हैं, आए हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। चाचा जी, इस धान में जो रोग लग रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? ये हल्दी रोग है, एक तो चावल भी छोटा हो जाता है इसका, और एक वो जो है ये हल्दी रोग है, इसको कोई कंडा रोग कहते हैं। तो अब इससे तो पैदावार समझ लीजिए गया इसका पैदावार, जहाँ 4 बोरी होता था अब 1 ही बोरी होगा, उसमें क्या करेगा आदमी। हम लोग तो वैसे जो बारिश की वजह से जो गिर गया था धान, देखिए सब सड़ गया है, सब उसको कैसे कैसे काट करके निकाले हैं। अच्छा ये बताइए, फसल जो ये नुकसान हुआ है, क्या पूंजी निकल पा रही है आप लोगों की? अरे निकल पा रही, मजदूरी तो निकल ही नहीं पा रही है, पूंजी कहाँ से निकलेगी भाई साहब। अच्छा, कृषि विभाग द्वारा कोई टीम जांच करने? कोई टीम नहीं आई, कोई टीम नहीं जांच करने आई है। क्या नाम आपका? हमारा नबी सरवर। मेरे साथ कुछ और किसान हैं जी। क्या दिक्कतें होती हैं? हल्दिया रोग से, हल्दी रोग से दिक्कत होती, काटने में दिक्कत होती है, उड़ता है, खांसी आने लगता है, और पैदावार कम होती है। जहाँ 4 बोरी होती है वहाँ 1 ही बोरी होती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हम लोग को होती है। तो क्या लगता है, पूंजी आप लोगों का जो भर्ती लगी थी खेती में, वो निकल पाएगी? नहीं, सरकार बार बार दावा करती है कि किसानों के लिए आय उनकी दुगना की जाएगी, तो ऐसे स्थिति में क्या आप लोगों को कृषि विभाग द्वारा मिला? कुछ नहीं मिला, जब कोई जांच करने ही नहीं आया तो कैसे जाने की? सर्वे ही नहीं हुआ तो आएगा? आप लोग देख ही रहे, धान पूरा काला हो चुका है जी। किसानों ने बताया कि अभी तक ना तो कृषि विभाग द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा कोई जाँच करवाई गई या सर्वे करवाया गया कि फसल कितना नुकसान हुआ है इस गन्हिया रोग जैसी बीमारी से। फसल पूरी तरह खराब हो गई है। ऐसे में जहां देश के प्रधानमंत्री का सपना किसानों की आय दुगना करने का, कहीं ना कहीं उन्हीं के अधिकारी चूना लगा रहे हैं। अमृतलाल, लाइव टुडे न्यूज, बस्ती। और हरदोई में पर्यटन की दृष्टि से जिले को संवारने की शुरुआत पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे ने की थी।
लेकिन उनका स्थानांतरण होते ही उनके द्वारा कराए गए कार्यों की बदहाली का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि बेलाताली तालाब में गंदगी का जमकर बोलबाला था। जब इसकी जानकारी पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे को लगी तो साफ सफाई सहित इसको संवारने की जिम्मेदारी लेते हुए पूरी तरह से विकसित कर दिया। आसपास के मोहल्लों से लेकर शहर के बाहर के लोगों को भी बेलाताली तालाब पर टहलने आते थे। पूरे शहर के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बच्चों के लिए स्ट्रीमर की व्यवस्था भी पूर्व डीएम के द्वारा कराई गई थी, लेकिन उनका स्थानांतरण होते ही बिजली महकमे ने परिसर की लाइट काट दी। पूरा परिसर अंधेरे में रहने के साथ वहां गंदगी का साम्राज्य भी बढ़ने लगा। फिलहाल शहर को संवारने और सजाने का जो सपना पूर्व जिलाधिकारी ने देखा था, उनके जाते ही उनके आगे पीछे चहलकदमी करने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। क्या समस्या है यहाँ? अब पर्यटन के लिए सुबह शाम कितने लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत नाम मात्र के लिए आदमी आते हैं। क्या समस्या है आखिर, क्यों नहीं आते हैं? बिजली नहीं है और साफ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ बिजली नहीं है? लगभग 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने मैं खड़ा हूँ हरदोई जनपद के बेलाताली तालाब पर। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरदोई शहर के प्रमुख तालाबों में इसका शुमार भी है। पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जनपद को पर्यटन की दृष्टि से कई तरीके से विकसित करने के कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बेलाताली तालाब, श्रवण देवी मंदिर, प्रहलाद जी का जो कुंड है उसका निर्माण, सांडी पक्षी विहार का निर्माण, पिहानी के धोबिया आश्रम का निर्माण, यह उनके ऐसे कार्य हैं जो आज ही नहीं वर्षों तक गिने जाएंगे और उनके इन कार्यों को लेकर उनकी सराहना भी लगातार हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व उनका स्थानांतरण जनपद पीलीभीत हो गया। वहाँ भी उनकी कार्यशैली जमकर बोल रही है और उनकी कार्यशैली की जमकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हरदोई जनपद का यह बेलाताली तालाब जो है, इसमें लाखों रुपए की कीमत से सरकार व नगर पालिका व ग्राम पंचायत के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया था और इसको जो है इस लायक बनाया गया था, जिससे कि सुबह और शाम आने वाले लोग इसका लुत्फ उठा सकें। बच्चों के लिए यहाँ स्टीमर वगैरह की व्यवस्था भी की गई थी और लोग सुबह शाम अच्छी खासी तादाद में यहाँ आते थे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही ने कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और जिम्मेदारों की लापरवाही की बानगी यह है कि यहाँ बिजली महकमे ने बिजली काट दी है। आपको बताते चलें, बेलाताली तालाब जो है ग्राम पंचायत मन्नापुरवा के अधीन है और यहाँ पर प्रतिदिन टिकट जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट का पैसा लिया जाता है और यहाँ बिजली का बिल 2 लाख के समथिंग बकाया बताया जाता है, जिसके चलते बिजली महकमे ने यहाँ इसकी लाइट काट दी है। यहाँ अंधेरा रहता है और जो लोग यहाँ पर्यटन टहलने के उद्देश्य से आते थे, अब आना जाना कम हो गया है और कहीं ना कहीं या फिर अपनी पुरानी स्थिति में जा रहा है। इसकी बदहाली बढ़ती चली जा रही है और जिम्मेदारी से और ध्यान नहीं दे रहा है। लाइव टुडे के लिए अरविंद तिवारी, हरदोई। वर्तागी सरकार भले ही साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन महोबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। गांव में लगा कूड़े और गंदगी का अंबार, सिस्टम के लापरवाह रवैये और भ्रष्टाचार की गवाही, सफाई कर्मी तैनात नहीं है और जहां है भी तो वहां गांव में कभी आते ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हर जगह गंदगी का अंबार, गलियां, नालियां कूड़े से दब रही, सफाई न होने से बीमारियों का खतरा। महोबा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रतौली है, जहां गंदगी से बजबजाती नालियां कूड़े के ढेर बीमारियों को दावत दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तैनात सफाई कर्मी कभी नहीं आते, जिस कारण गांव की सफाई विधिवत रूप से नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से सफाई व्यवस्था को लेकर बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और ग्रामीण आज भी गंदगी में रहने को मजबूर है। रतौली की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे में गंदगी और पानी भरा है। हाँ, क्या सरकार जगह बनी रहा है? अच्छा, गंदगी कई साल से कूड़ा और पूरी खोरन में दलद मचो रहा है। सफाई नहीं होती? सफाई, अरे सफाई का तो निशाने नहीं आया। कहूँ सफाई कर्मी आता है? कब हमने देखो रहा कैसा है? प्रधान से कभी कहा आपने? हम प्रधान का तो चिंता नहीं, वो गाँव में नहीं रहता है।
कहाँ रहते हैं प्रधान? अरे वो अपने हार खेत में उधर आधे काम काज में। अभी तक कोई विकास कार्य हुए गांव में? कुछ नहीं। यहाँ पानी जो है तो रहता है, वहाँ से आता है गांव से पानी। अभी तक सफाई वफाई कोई व्यवस्था नहीं की? कितना परेशान होते हैं आप इसको गंदगी से? गंदगी तो बनी रहती है। हालांकि बीते चार दिन पहले जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गांव में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए 50 टीमों का गठन किया था। गठित टीमों ने 100 गांव में साफ सफाई का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद डीएम ने 20 लापरवाह सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया, एक दिन का वेतन रोक दिया। सवाल तो ये है कि डीएम के सख्त कार्रवाई के बावजूद भी सफाई कर्मी अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आ रहे, और क्यों खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है? एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश सरकारें साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दे रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महोबा जनपद में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां बीमारियों को दावत दे रही हैं। आपको हालांकि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अभी 2-3 दिन पूर्व 50 टीमों का गठन कर 100 गांवों की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे, और टीमों के औचक निरीक्षण के दौरान जो रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई उसके बाद डीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 20 और 100 सफाई कर्मियों का एक दिन का वेतन रोक दिया था। डीएम की सख्त कार्रवाई से जिले भर के सफाई कर्मियों में हड़कंप मच गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी सफाई कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रधान से कहा, शिकायतें की, लेकिन न प्रधान ने सुना न सफाई कर्मी कभी गांव में देखने आते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चल के डीएम की कार्रवाई का क्या असर होता है और जिलाधिकारी द्वारा भविष्य में किस प्रकार की कार्रवाई कर इन सफाई कर्मियों के खिलाफ, ताकि गांव में लोगों को स्वच्छ गांव मिल सके। स्वच्छ गांव होगा तभी स्वच्छ भारत बन सकेगा। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज, महोबा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है Z5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में, बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेठी जिले में अधिक मेरिट वाले लगभग 550 अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि उनसे कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। वहीं ये सभी अभ्यर्थी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने को कहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सभी वर्गों का नुकसान हुआ है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में 27 अक्टूबर को बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
सर, हम 69,000 के प्रतिभागी हैं, 67,867 की लिस्ट निकली थी, उसमें हम लोग चयनित हैं। सरकार को पहले बताया गया था, आप सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप 31,000 भर्ती कर सकते हैं, तब उसने नहीं किया। सर, अब वो मनमानी ढंग से 31,000 की लिस्ट निकाल के बाकी बच्चों का सिलेक्शन ले रही है, उसमें जो हाई मेरिट के बच्चे हैं सबको निकाल दिया गया है। सर, जैसे 15,000 तक बच्चों को ले लिया है, उसके बाद 20-20 के बच्चों को उठा लिया गया है, फिर जाके पता नहीं कहाँ से इधर उधर करके लिस्ट अकड़ बकड़ करके बना दिया गया है। जी, हम लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ज्ञापन देना था, और इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बताना था कि इसमें 67,867 चयनित अभ्यर्थी थे, जिनकी 3 जून को काउंसलिंग हो रही थी, लेकिन सिंगल बेंच के लखनऊ के द्वारा वो ऑर्डर उसको स्टे लगा दिया गया था, लेकिन भर्ती फिर से बहाल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 31,661 सीटों के लिए कहा कि वो भर्ती कर सकती है। तो सरकार इसने भर्ती करना तो चाहा और कर रही है, लेकिन इसमें आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। सर, मेरा नाम वर्षा रावत है, 67,867 की लिस्ट में मैं चयनित हूँ, और आधी भर्ती 31,000 की भर्ती कर दी है सरकार ने, मगर 37,000 को छोड़ दिया है, जबकि भर्ती एक साथ आई थी, एक साथ पेपर दिया गया था, तो अलग अलग भर्ती क्यों कर रही है सरकार? उसको एक साथ भर्ती करनी चाहिए, ऑर्डर एक साथ आना चाहिए, एक साथ जिला आवंटन जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए। हम लोगों को एक साथ चयन, हम लोगों का एक साथ चयन हुआ था, हमको एक साथ नौकरी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो फिर अच्छा नहीं होगा। SC RT पे आ रहे हैं सरकार को सबक सिखाने के लिए, देखते हैं किसमें कितना है दम। मेरा नाम पुलकित जायसवाल है, मैं भी 69,000 में एक पार्टिसिपेंट था और मैं सफल हुआ भर्ती में, लेकिन आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी एक भर्ती को दो फाड़ में किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। और हमारी मांग सरकार से यही है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से, हर स्तर से सभी वर्ग का नुकसान किया गया है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो BC का हो, चाहे वो SC का हो। यहाँ पर SC के ऐसे बच्चे, OBC के ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिटोरियस कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनको बाहर किया गया, वहीं पर जनरल के अच्छे बच्चे जो अच्छे नंबर पा करके भी आज बाहर हैं, 37,339 में प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि उसे गुणवत्ता चाहिए, RT एक्ट भी कहता है कि उसे गुणवत्ता चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता को ताक पर रखते हुए जो भी बच्चे हैं उनके साथ इस तरह का न्यायोचित व्यवस्था नहीं की गई, जो कि तर्कसंगत नहीं है सर। और हम लोग यही मांग करना चाहते हैं सरकार से, और AG साहब का अभी संजय यादव का 19 अक्टूबर को केस लगा हुआ था, और वहाँ पर AG साहब ने अपनी बात को रिकॉर्ड कराया, और उन्होंने कहा कि NIC के द्वारा ये गलतियाँ की गई हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसके लिए हमने एक कमेटी गठित की है, लेकिन जो कि अभी तक किया नहीं गया है, और हम लोगों को सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को नियोजित करने के लिए 69,000 की शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में निकाली गई थी, पिछले यह 2 वर्ष पहले निकाली गई थी, जिसमें तमाम जो है परीक्षाएं हुई और मेरिट बनाई गई, और ऐसे में अमेठी जनपद में भी अभ्यर्थी शामिल हुए, और लेकिन तमाम ऐसे मेरिटोरियस जो अभ्यर्थी थे जिनका चयन आज तक नहीं हो पाया है, ऐसे लगभग 500 से ऊपर की संख्या है, और ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों भी जो है हम लोगों को भी नियोजित किया जाए सरकार के द्वारा। जो है अभी इस तरह इस समय आप देख सकते हैं कि ये सारे ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जो उस 69,000 की वैकेंसी में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका जो है इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, और ये मेरिट में भी हैं उसके बावजूद अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में क्या समस्या है, इसके जानने के लिए हम इनके पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। अनीस जी, क्या समस्या है? सर, मैं 69,000 में चयनित अभ्यर्थी हूँ और 67,867 में चयनित हुआ हूँ, लेकिन कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31,000 कुछ सीटों का, 277 सीटों का ज्वाइनिंग दे दी है, और 37,000 सीट जो न्यायालय के में उसका विवादित व्यवस्था है, कोर्ट में उसको मामला जो है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना है कि वो इन प्रकारण जो है थोड़ा सा प्रे करें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि हमारे लोगों का आर्डर जो है जल्दी पब्लिश हो, हम लोग इस मानसिक प्रताड़ना से थोड़ा सा बाहर निकलें, हम लोग बहुत परेशान और विक्षुब्ध हैं, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त 67,867 वाले अभ्यर्थी मिल करके एक साथ ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों का जो है समाज में स्तर बढ़े, मान सम्मान बढ़े, हम लोग समाज में बहुत हीन भावना से देखे जा रहे हैं, बहुत ही प्रताड़ित और बहुत ही विक्षुब्ध हैं, और सरकार से सिर्फ इतना कि वो प्रे कर दे कि 3 महीने पूरा हो चुका है, और वो प्रे करे कि जो है कोर्ट ऑर्डर जो है डिलीवर हो, पब्लिश हो, और हम लोगों के हक में फैसला है, और हम लोग जो है सुकून के सांस ले सके, राहत भरी सांसें ले सके, और थोड़ा सा यही चाहते हैं बस। ऐसे में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वर्षा रावत है और मैं 67,867 में चयनित हूँ। हाई मेरिटोरियस होने के बावजूद भी हम लोगों का चयन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग लगाए
और भी लोग, ये बताइए चयन सरकार के चयन का आधार क्या है जो सर है? सरकार के चयन का आधार जो बनाया गया था उसको एक भी पॉइंट फॉलो नहीं किए गए हैं। मनमानी तरीके से लिस्ट बनाई गई है। 31661 में जो इन्होंने बच्चों को चयनित किया है वो मेरिट के हिसाब से करना चाहिए था, ना कि जो है हाई मेरिट को छोड़ करके लो मेरिट वाले को चयन दे देना चाहिए। अभी आप लोग जिलाधिकारी महोदय के पास मुलाकात करने गए थे, क्या जो है आश्वासन दिया क्या? जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय से तक हमारी बात पहुंचाई जाए, और ये क्योंकि सरकार मुख्य पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वही प्रे कर सकती है कि जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर करके हम लोगों को भी सम्मानित तरीके से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करें। ऐसे कितने जो है जनपद में कितने होंगे अभ्यर्थी? सर अमेठी जनपद में 34% सीटों का ही चयन हुआ है, 66 के करीब परसेंट सीटें अभी भी रिक्त हैं। करीब 550 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हाई मेरिटोरियस होने के बावजूद अचयनित है। मेरी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की भी सुने और इनको नियुक्ति दे। ऐसे में जो निश्चित रूप से ये जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, पिछले 2 वर्षों से सरकार की जो नीति है उसके दंश झेल रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो हम लोगों मेरिटोरियस होने के बावजूद अभी तक जो चयन नहीं हो सका है, सरकार उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीटों के लिए आरक्षित कर रखा है उसके लिए वो जल्द से जल्द प्रयास करके उसको रिलीज कराए। यहाँ के जो सिर्फ 34% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है चयन हो पाया, बाकी सब लोग जो है अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाते हुए इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी इन लोगों को न्याय मिल सकता है। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। और अमेठी के ककवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर कई दशकों से ओवरब्रिज बनाए जाने के कवायद को मूर्ति रूप देते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को शुरू करा दिया गया। हालांकि निर्माण कार्य शुरू होते ही तत्कालीन स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उसके बावजूद प्रशासन ने पहुंचकर काम शुरू करा दिया है। वहीं निर्माण कार्य को लेकर लोगों ने डीएम, विधायक और सांसद से बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बनने से जहां एक तरफ कई मकान इसकी जद में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का सैकड़ों साल का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। करीब 300 परिवारों ने सरकार से गुहार लगाई है। समय मैं मौजूद हूं अमेठी कस्बे में, जहां के ककवा रोड पर, जहां पर ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है और कार्य शुरू भी हो गया है। यहां के जो व्यापारी हैं उनको, जो सैकड़ों साल से यहां पर अपना व्यापार कर रहे थे, उनको तमाम तरह की समस्या है। आप देख सकते हैं कि यहां के जो व्यापारी हैं वो इस समय इकट्ठा हैं, लामबंद हैं, उनकी क्या तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिनकी समस्याओं को सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है, और उनका कहना है कि वो धोखे में, कहीं ना कहीं उनको धोखे में रखकर काम किया जा रहा है। ऐसे में क्या इनकी समस्या है और क्या मांग है, इसके लिए हम जानने के लिए चलते हैं उनके पास। क्या नाम है सबसे पहले आप बताएं? अनूप कुमार अग्रवाल, नगर अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल अमेठी। ये बताइए कि ये जो ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह? ओवर ब्रिज निर्माण होने से ककवा रोड के व्यापारी, लगभग 300 व्यापारी प्रभावित होते हैं, और उनसे हमारी रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी 3 साल ओवरब्रिज बनने में लग जाएगा। उसके बाद हमारी दुकान गली में आ जाएगी, हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। एक तो चार लॉकडाउन ने 6 महीने से हमको मार डाला है, उसके बाद हमारे व्यापारियों के साथ, जिसमें लगभग 300 व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, इनके साथ सबसे बड़ी परिवार उनका भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। 3 साल के बाद उनकी दुकानें चलेंगी कि नहीं चलेंगी वो ग्राहक के ऊपर निर्भर है। जो एक बार ग्राहक जो है दूसरे व्यापारी के पास चला जाता है, वो फिर लौट कर आना उसका मुश्किल हो जाता है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है? पवन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष रामलीला समिति अमेठी। अग्रवाल जी, ये बताइए कि किस प्रकार की समस्या आ रही है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि धोखे में रख के इसका निर्माण कार्य शुरू किया, क्या है? बिल्कुल सही है, ये ओवरब्रिज का प्लान राहुल गांधी ने 10 साल पहले किया था पब्लिक के डिमांड पर। ये कोई रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, और उन्होंने बात सुनी समझी और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था, परंतु हम लोगों को लॉकडाउन के दौरान धोखे में रख करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे अमेठी का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, विकास की जड़ कहीं जमने नहीं पाएगी। अमेठी कस्बा
का ये सबसे पॉश इलाका है। बाकी अमेठी एक कमल की फूल की तरह चार पंखड़ियों में कस्बा बना हुआ है, जिसका कुल 1 किलोमीटर का दायरा है। जहां पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ये सबसे चौड़ा मार्ग था, परंतु यहां पर फ्लाईओवर बना दिया जाएगा, ये मार्केट बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? विजय कुमार कसोदन, किरण देसाई। किस प्रकार की समस्या है ये जो है, क्या यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए? फ्लाईओवर तो हम भी चाहते हैं बने, मगर किसी का विनाश करके विकास हो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें फ्लाईओवर बनने में विनाश किसका हो रहा है, कितने परिवार हैं? कम से कम 300 व्यापारी, 300 लोग हैं। ये बताएं फ्लाईओवर बनना चाहिए? फ्लाईओवर किसी दशा में नहीं बनना चाहिए। फ्लाईओवर में अगर डिवाइडर बना दिए होते तो फ्लाईओवर चाहे बनता चाहे न बनता, जाम कभी भी न लगता। होता क्या है, पीछे से लोग गाड़ी लेके आते हैं, ओवरटेक करते हुए आगे निकालते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। और जो उधर जाना रहता है दक्षिणी एरिया, जिसको रेलवे क्रॉसिंग पार करना रहता है, वो अपनी कमी न बता के जबरदस्ती जाम लग रहा है, जाम लगता है। ओवरब्रिज की डिमांड करते हुए ओवरब्रिज बनवाने का निर्णय लिए और हम व्यापारियों का वो कत्लेआम करवा दे रहे हैं। फ्लाईओवर से नफा है नुकसान है? देखिए, फ्लाईओवर जो है हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए क्योंकि हम लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारा व्यापार उखड़ जाएगा, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हमारी सबकी एक कैपेसिटी है, छोटा व्यापार है, उसी अगर डेली बेसिस ना कमाएं तो हम लोग अपने परिवार को नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, फ्लाईओवर बनावें, फ्लाईओवर ये नहीं कहते, हम लोगों को भी दक्षिण की ओर जाना है, दक्षिण की ओर के लोगों को भी इधर आना है। तो ऐसी सॉल्यूशन निकाली जाए ताकि जो है हमारा ये छोटा सा कस्बा जो मेन अमेठी का चौराहा है वो बचा रह जाए, व्यापार बचा रह जाए, और जिससे कि सभी को जो है कोई परेशानी ना होए, सब जो है अच्छे से जो है इधर से उधर जाएं, उधर से। तो ये थे अमेठी के जो आप देख रहे हैं कि अमेठी के व्यापारी, जिनका रोज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनका मानना है कि यहाँ पर जो फ्लाईओवर बना दिया जाए जिससे समस्या का निजात मिले, लेकिन इस तरह से किसी के जो इनकी समस्याओं को हो उस पर ध्यान देकर, उस पर उचित निर्णय लेकर, जो और इसके विकल्प हैं उन विकल्पों को जो है प्रयोग करते हुए इस तरह से किया जाए, ताकि इन लोगों की रोजी रोटी ना छिने। लगभग 300 परिवार जो है व्यवसायी हैं, जो लगातार सैकड़ों वर्ष से यहीं पर परंपरागत तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो अभी अग्रवाल जी ने एक जो वो बताया है कि जो नाला जाता है उस नाले से होकर निकल जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो सही वास्तव में ये था कि जो इसका निर्माण कार्य होना था, इन लोगों का कहना है कि हमको धोखे में रखकर किया गया, लॉकडाउन के समय इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, इसको कहा गया था रिंग रोड बनाया जाएगा और तमाम तरह के, लेकिन उन सबको हटाकर और सीधे इस तरह का किया जाना निश्चित रूप से जो है दुखद बात है, जिस पर शासन प्रशासन सहित यहाँ के सांसद महोदया और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इन लोगों की रोजी रोटी बची रह सके। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ, लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में अर्बन अपडेट में इतना ही। नमस्कार।